दोस्त, एक 25 लीटर का गीजर है, इसको इंस्टॉल करेंगे। और कैसे करेंगे चलिए बताते हैं सारा चीज कि क्रॉम्पटन का 25 लीटर का गीजर है, इसका इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी की तरफ से आम का मॉडल है, वो दिखा दो। पच्चीस लीटर का गीजर है, कैपेसिटी 2000 वाट है। एम आर पी तो बहुत ज़्यादा उतना में मिलता नहीं है, लेकिन एम आर पी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और इसका वारंटी जो है 2 साल ही होता है। यहाँ पे 2 साल, जैसे प्रोडक्ट का 2 साल हुआ तो 2 साल हीटिंग एलिमेंट्स का भी होगा, 2 ही साल में गिनती होगा। ये अगर सोचिएगा कि नहीं 2 साल इसका, 2 साल इसका वैसा नहीं होता है, तो जब से लिए हैं उसी टाइम से 2 साल इसका भी जो रहेगा। और 7 साल इसका टैंक, अगर टैंक आपका फूट उठ जा रहा है, देखिए 7 साल टैंक लिख रहा है, तो टैंक आपका फूट उठ जा रहा है या लीकेज हो जा रहा है, तो उस रेट में आपका गीजर रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। तो इसको देख लेते अंदर में क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। कौन केवल अंदर 2 फास्टनर है बस, इसमें पाइप नहीं दिया है। फ्री एक आपको वारंटी कार्ड रहता है, जो कि यही वारंटी कार्ड है। एक पाइप रहता है छोटा सा, और बेस में से पाइप निकाले हैं क्या? जैसे गीजर जो लगाएंगे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट होता है, तो यहाँ पे 2 एंगल कॉक लगा हुआ रहता है इस टाइप का, ठीक है, जो कि इसमें से हटाया हुआ है। अभी इसको लगाएंगे, इसका इजी इंस्टॉल करने का तरीका है बता देते हैं आपको। 25 लीटर का गीजर है, बता देते कैसे करना है एकदम इजी। जैसे कि गीजर का हाइट पूरा नाप लेंगे कितना है, कट इन कर देंगे। ये मेरा गीजर का हाइट हो गया, और इसका ये नाप लेंगे, ताकि हमको इसको खोल कर जरूरी नहीं पड़ेगा घुमा करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको जितना बड़ा ये इसको काट के कट इन कर लेते हैं। इसको हम कटिंग कर लिए, अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, इंस्टॉलेशन करने का सबसे आसान तरीका है। और इसके हिसाब से नापी करके अपना पुल कर देंगे। एक चीज़ और, जैसे गीजर का हाइट नापे हैं, हमको गीजर कितना पड़ेगा वो भी चीज़ हम देख रहे हैं, उस हिसाब से इसको यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई कितना है उस हिसाब से अंदर चलते हैं। गीजर का हाइट यहाँ चला है, सॉकेट में भी लगाने में पड़ेगा, सॉकेट इधर इसका। कहाँ करना है 14 mm बिट। क्लियर नहीं हुआ, कलर पकड़ रहा है। 14 नंबर बीट है, ठीक है, एम्बर में इसको कर लिए ना, इसमें लगाएंगे और होल करना स्टार्ट। तो जहाँ पे गीजर लगाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर
स्विच ऑन कीजिए भैया। ज़्यादातर गीजर के लिए पॉइंट बनाया हुआ रहता है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। थोड़ा सा और इधर ले लेते थे, इसमें 10 एमएम का फास्टनर यूज करेंगे। चलिए फास्टनर को ठोकेंगे। दस में फास्टनर हो गया और इसमें का वाशर हम निकाल कर हटा देंगे, क्योंकि वाशर छोटा है, गीजर के पोल में छोटा पड़ेगा, इसके कारण गीजर गिरने का संभावना है। तो हम बड़ा वाशर लगा देंगे इसमें ताकि गीजर गिरे ना। इतना आदमी इतना ही पर लगा कर चले जाते, फिर बाद में कंप्लेन आता है गीजर गिर गया, तो ऐसा नहीं करना है। जी तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हल्का टाइट कर दिए ताकि दीवार में करेंगे अच्छा से चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको दीवार में ठोक देते हैं। हो गया, गीजली खुल गई, मेरा फास्टनर लग गया, यहाँ पर गीजर बता देंगे। भैया गीजर उठा कर दीजिए, इतना कर लेंगे, इसको इतना कर लेंगे, अब गीजर पे लॉस उठा देंगे। मेरा गीजर लग गया, दोनों तरफ फंस गया अब, ठीक है। तो अब नट को टाइट कर देते हैं, लेते हैं टाइट की जगह हमें फायदा हो जाएगा, जितना ज़्यादा होगा तो उतना टाइट की टाइट करेंगे ताकि अगर एक नॉट का रहता तो इस तरीके नहीं का टाइट को पता बड़ा हुआ गीजर का पॉइंट बड़ा है तो लटकाने हैंड करने वाला है, ठीक है।
सर फुल वीडियो लोग मास्क नीचे से देखिए मतलब पूरा लगता है बिया इधर बिया तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो इधर ऐसा डालना ताकि इधर गिरे नहीं बांट ले सकते हैं उसके लिए इसको कनेक्शन करते हैं टंकी कितने तला पड़ रहा है हाँ टंकी कितने तला पड़ इसका इनपुट पॉइंट हो गया जिससे पानी निकलता है पानी का प्रेशर तो कोई खास नहीं है ऊपर टाइम लगेगा थोड़ा भरने में इसको ऊपर चालू कर देते हैं तो कुछ कचरा गिरा देते हैं ताकि बाहर चलिए इसका नाम है प्रेशर बल्ब जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है नहीं है तो फ्रीजर में हटा दीजिए ना हटा देंगे लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है हटाने का मतलब जैसे आप गीजर यूज कर रहे हैं ठीक है उस पीरियड में आपका टंकी में अगर पानी नहीं होगा तो इसे रिटर्न फिर पानी जाने लगेगा ऐसा भी होता है उस पीरियड में तो गीजर में आप लाइन दीजिएगा गीजर का टंकी अगर खाली रहेगा तो हमें एलिमेंट फटने का डर रहता है ठीक है मानेगा हम अपने तरीके से बता दिए मेरा काम बताना है तो टंकी में पानी लोड होना स्टार्ट हो गया जब तक इसमें 25 लीटर पूरा पानी लोड नहीं होगा तब तक आउटलेट से पानी गिरेगा नहीं तो हम पानी को पूरा लोड होने देते हैं एयर निकलना स्टार्ट है ठीक है तो टंकी को पानी भरने में पूरा टाइम लगेगा थोड़ा ताकि प्रेशर कम है पानी का भरने देते हैं ओके प्लास्टिक को फंसा दीजिए उसको अंदर कर दीजिए प्लास्टिक के ऊपर से ले लीजिए पीछे जो है सो इसके ऊपर से हाँ ना हो पाएगा पहले गीजर टाइट हो चुका है गीजर टाइट हो चुका है अच्छा ना पाइप लगेगा तो नहीं गिरेगा पानी का नहीं तो कुछ फंसाने वाला था ना वो तार जोड़ दिया था तार दे दो तार नीचे लाइए काला वाला जो तार नीचे वाला हाँ इधर का पानी तो भर गया टैंक भर गया देखिए टैंक से पानी निकले पानी निकलेगा तभी हम इसको आउटपुट में लाइन देंगे नहीं तो नहीं देंगे ठीक है लाइन दीजिए गीजर में ये तो पावर का इंडिकेटर हो गया ग्रीन वाला तरह इसी हो गया और पानी निकलना स्टार्ट हो गया है हाँ ठीक है तो पानी खूब गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है फुल टाइम फुल इसको हीट होने में 40 से 45 मिनट कितना समय लगेगा था पूरा फुल हीटर होने के लिए पूरा 75 डिग्री पर कीजिए 40 से 45 मिनट लग जाएगा अच्छा वारंटी कार्ड पर सारा चीज लिखा हुआ है तो 15 लीटर वाले पर आउटपुट वाले को किसी में कर देंगे ताकि वो आउटपुट से गर्म पानी निकाला कर देते थोड़ा थोड़ा सुसुम हो चुका है कि जब पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है देख लीजिए कैसे किया हुआ है इन पॉइंट आउट पॉइंट इन और आउट दोनों लिखा हुआ है
रखा हुआ है सारा चीज। ये मेरा गर्म पानी आना स्टार्ट हो गया हुआ है, सेंसर तो है नहीं, काकुस सेंसर के बताया। थोड़ा बाफ नहीं निकल रहा है ज़्यादा, इसको कतल कुसुम हो चुका है। ठीक है, तो ये बल्ब मेरा गीजर का है। अगर गर्म पानी लेना होगा तो इस बल्ब को उपयोग करेंगे, अगर ठंडा पानी लेना होगा तो हमको इसको उपयोग करना होगा। अगर हाँ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा आ रहा है गर्म पानी, तो हल्का हमको इसको घुमाकर उसको मिक्स कर लेना है पानी को, बस यही है। थोड़ा और हीट होने देते हैं। ठीक है, वीडियो चल रहा है।